देखिए, मैं कोई भी फेस्टिवल पे ऑफ़ तो नहीं चाहती। मेरे बर्थडे पे भी मैं कभी, मुझे ऑफ़ नहीं चाहिए होता, मुझे हाफ डे दे दो। जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाती हूँ और वो भगवान का दिन है, आई थिंक वो उस चीज़ को सबके लिए खुशहाली बनाएंगे। श्रुति, जन्माष्टमी आने वाली है और फैंस को कुछ बधाइयाँ देना चाहती हैं, अगर ऑफ है तो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगी या फिर वर्किंग? देखिए, मैं कोई भी फेस्टिवल पे ऑफ़ तो नहीं चाहती। इवन मेरे बर्थडे पे भी मैं कभी, मुझे ऑफ़ नहीं चाहिए होता, मुझे हाफ डे दे दो ताकि मैं काम भी कर सकूँ। और बिकॉज़ आई थिंक कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है कि आप भगवान जी को प्रे करते हो एंड एवरी थिंग, या बाकी जो भी है। एंड आई थिंक मेरा काम भी, मेरे काम को भी मुझे वर्शिप करना चाहिए, तो ही काम मुझे रिस्पेक्ट करेगा अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगी। तो ऑफ़ तो नहीं चाहिए, ऑफ़ तो नहीं चाहिए मुझे, बट हाँ, मैं जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाती हूँ। एंड आई थिंक सेट पे भी मैं इतनी कुछ प्लानिंग नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि प्लानिंग करने से हर चीज़ ख़राब ही होती है। और वो भगवान का दिन है, आई थिंक वो उस चीज़ को सबके लिए खुशहाली बनाएंगे, तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। नो प्लानिंग्स, वी विश द सेम दैट बहुत जल्द सुधार है हमारे लीगल सिस्टम, स्पेशली। एनीथिंग यू वांट टू से टू मेरा बालम थाने द व्यूअर्स रिलेटेड टू द शो, एनीथिंग विच यू वांट टू से? All I want to say is every time जब भी मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ओह, पीपल आर लविंग मी सो मच, ग्रेटफुल हो जाती हूँ। ओवरवेलमिंग है मेरे लिए ये सब कुछ, और मैं बस यही चाहती हूँ खुद भी कि मैं ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करूँ अच्छे से, डाउन टू अर्थ रहूँ, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमसे ऐसे ही स्टिक रहे, कभी हमें छोड़ के ना जाए। क्योंकि आप जितने लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, हमारा शो उतने लंबे समय तक रहेगा। और पर्सनली मेरे लिए ये शो काफ़ी इमोशनल है, तो आई जस्ट वॉन्ट कि व्यूअर्स हमारे शो को बस देखते रहे और ढेर सारा प्यार दें। सो या, थैंक यू सो मच, थैंक यू।